I am first year MBBS student, and in today's video, I will tell you some very important thing about the last month of MCAT preparation, which is the most important month in your MCAT journey. And in this month, you have to give your hundred percent to get entrance in any medical or engineering college. सो एज़ यू माइट नो कि टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो हमारे पास अक्टूबर का या तो मिड है या अक्टूबर का एंड है सो फ्राम सेप्टेंबर टू अक्टूबर नाव यू हैव अ लिमिटेड टाइम टू हैव ग्रैप ऑन योर स्टडीज़ आपने अपनी रिविजन स्ट्रॉन्ग करनी है अपने कॉन्सेप्ट इस्ट्रॉन्ग करने हैं फार्मूलाज याद रखने हैं तो देयर शुड बी सम स्ट्रेच स्ट्रैटीज के आपने किस तरह क्या परफॉर्म करना है सो so, इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी कुछ कि मैंने किस तरह अपना लास्ट मंथ का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया था एंड आपने किस तरह करना है सो लेट्स गेट इंटू दो द फर्स्ट स्टेप दट आई वॉन्ट टू गिव यू एस कंप्लीट योर कोर्स एज सुन एज पॉसिबल आपने अगर अपनी फ़र्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर दी है तो आपने अपनी फ़र्स्ट रिवीजन को एंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट एटलीस्ट 10 टेन टू तो फिफ्टीन डेज पहले कंप्लीट कर लेनी है इस कंप्लीट करने से क्या होगा दैट आप अपनी लास्ट रिवीजन जो लास्ट हफ्ते में करते हैं लास्ट वीक की जो रिवीजन होती है आप उस पर फोकस कर सकेंगे वो लास्ट वीक की रिवीजन किस तरह करनी है इनशाला आई विल मेक दिस सेपरेट वीडियो फॉर इट लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप फर्स्ट रिवीजन पे हैं अपनी लाइक बेसिक रिवीजन पे हैं तो वो भी आपको सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर तो मस्ट कंप्लीट कर ही लेनी है देन आपने अपनी रिविज़न स्टार्ट कर देनी है द सेकेंड टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेप इज़ डू पास्ट पेपर्स आपने पास्ट पेपर्स ज़रूर करने हैं अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो अपने पास्ट पेपर्स की रिविजन करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर्स से रिलेटेड अगर एग्जैक्ट नहीं भी आएंगे तो पास्ट पेपर्स से रिलेटेड आते हैं एंड पास्ट पेपर करने से आपको आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एंड मैंने इस पॉइंट को एनालाइज़ नहीं किया जो क्वेश्चन बन सकता था एंड पास्ट पेपर करने से आपको अपनी ग्रिप का अंदाज़ा होता है कि मैं फ़ला टॉपिक में कमज़ोर हूँ अभी एंड मुझे ये टॉपिक की जब मैं लास्ट डिविज़न करूँगी या उसी वक्त आपने उस टॉपिक को ध्यान से देख लेना है ताकि जब एंट्रेंस टेस्ट के दिन एंट्री टेस्ट के दिन वो एम आए तो आप उसमें गलती ना करें अब आपने पास्ट पेपर्स किस इयर के करने हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने 2010 से 2019 तक के तो मस्ट करने हैं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफ़रेंट बुक के एम करते हैं इट्स गुड लेकिन उन एम के पीछे आपने अपने पास्ट पेपर्स के एम सी क्यूज़ नहीं छोड़ने अगर आपको लगता है कि मैं पास्ट पेपर्स पे टाइम नहीं दे सक रही दूसरे एम की वजह से डिफरेंट बुक्स की वजह से लाइक कैपलैन एंड देर आर मैनी बुक्स अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे पास्ट पेपर्स को तो आप अपना उन एम का टाइम कम कर दें और पास्ट पेपर्स को ज़्यादा टाइम दें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि पास्ट पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे लाइक किधर अवेलेबल होते हैं सो पास्ट पेपर्स आपको मार्केट में डाउ ग्रेड्स के नाम से एक बुक पब्लिश करते हैं डाउ ग्रेड्स की पब्लिशिंग में और उस आ, बुक में आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट ईयर के पास पेपर्स ईजीली मिल जाते हैं और इसके अलावा भी दूसरी बुक्स भी होती हैं लेकिन दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमन वन सो अगर आप डाउ ग्रेड्स की बुक ले लेते हैं तो उसमें साथ साथ एम के आखिर में उसकी की भी दी हुई होती है मोस्टली पास पेपर्स में की हमारे पास गिवे नहीं होती तो अगर आप वहाँ से की में चेक कर लेते हैं तो आपको अपने सही और गलत एम का भी अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है क्टिस करने किस तरह है आपको आपको पास रिपर्स करते वक्त अपना टाइम मैनेज रखना है और अपने टाइम का ख़ास ख्याल रखना है कि मैं कितने टाइम में कितने एम सी क्यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम नहीं, नहीं होता है एंट्री टेस्ट में जब आप बैठे हुए होते हैं उस वक्त आपके पास 150 मिनट्स होते हैं 200 हंड्रेड एम सी क्यूज़ के लिए तो आप अल्टरनेट डेज़ में अगर आप डेली नहीं कर सकते ये प्रैक्टिस 150 मिनट्स पे 200 हंड्रेड एम सी क्यूज़ तो आप ऑल्टरनेट डेज़ में तो ये मस्ट अपनी एक रूटीन बना ले कि मुझे 150 मिनट्स के लिए एक ऐसी जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है और मैं 150 मिनट्स के अंदर अंदर विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी कैलकुलेटर विदाउट एनी हेल्प ऑफ बुक मैंने 200 हंड्रेड पे टिक लगाने हैं 200 हंड्रेड को सॉल्व करना है तो आपके एंड तक बेहतरीन प्रप्रेशन हो जाएगी इन अपने अगर ऑल्टरनेट डेज में ये नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट एटलीस्ट वीक में टू टाइम्स तो ये एक्टिविटी करें वन फिफ्टी एम सी मिनट्स व टू हंड्रेड एम सी क्यूज एंड इसके अलावा डेली या तो डिफरेंट टाइमिंग में एक साथ आप वन फिफ्टी मिनट्स नहीं बैठ सकते तो दिन के चार हिस्से में आप फिफ्टी फिफ्टी एम सी क्यूज़ कर लें एंड टू हंड्रेड एम सी क्यूज़ डेली करें और अगर आप टू हंड्रेड एम सी क्यूज़ भी डेली नहीं कर सक रहे तो आप दिन में दो बार बैठ के लाइक फिफ्टी एम सी क्यूज़ एट वन सेटिंग आप दिन में हंड्रेड एम सी क्यूज़ तो मस्ट करने ही करना है is, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि टू लास्ट चैप्टर्स आपने अपने बायो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर को लास्ट डेज़ के लिए छोड़ देते हैं अभी आपके लास्ट डेज ही चल रहे हैं तो अगर आपने अभी तक ये लास्ट चैप्टर्स को एक भी रीड नहीं दिए तो आप इन लास्ट चैप्टर्स को रीड देने में जल्द से जल्द करें एंड क्योंकि लास्ट डेज लास्ट डे आपकी एम केड के प्रिप्रेशन में वही होगा जब आप टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे होंगे इससे पहले आपको अगर आप सोचें कि जब टाइम मिलेगा तो मैं लास्ट चैप्टर्स कर लूँगी या कर लूँगा तो ये आपको टाइम अब लास्ट मंथ में फ्री नहीं मिलने वाला आपको टाइम निकाल कर इन चैप्टर्स को करना ही करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है लास्ट चैप्टर्स जो हैं वो सम समर्ड बोरिंग होते हैं या हमने अपनी इंटरमीडिएट की स्टडीज़ में इन लास्ट चैप्टर्स पर फोकस नहीं किया हुआ होता तो हम इन चैप्टर्स को करने में प्रोकस्टिनेशन दिखा रहे होते हैं सुस्ती दिखा रहे होते हैं जो हमें ऐसे नहीं करना है बायो का लास्ट चैप्टर्स जो हैं हमारे पास मैन एंड बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है तो वो चैप्टर इससे एम आते हैं फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले जो हैं उससे एम सी क्यूज़ आप देखें आपको ऑल्टरनेटिव ईयर्स में तो एम सी क्यूज़ उनके मस्ट मिलेंगे केमिस्ट्री के जो लास्ट चैप्टर्स हैं हमारे पास इंटर के सोप डिटर्जेंट फाइबर्स और हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे इनसे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ बन जाते हैं इन टॉपिक्स से तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के लास्ट टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है वो टेफ एस इंग्लिश का क्या करना है इंग्लिश के ट्वेंटी एम सी क्यूज होते हैं एंड ट्वेंटी एम सी क्यूज़ कोई छोटी बात नहीं है आपने इंग्लिश पे भी ध्यान देना है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पीछे इंग्लिश को आपने इग्नोर नहीं करना है एंड ये मिस्टेक ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स करते हैं कुछ टेन टू फिफ्टीन परसेंट को छोड़ के तो आपने ऐसे नहीं करना है कि इंग्लिश को छोड़ ही देना है कि इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग है फिर भी प्रैक्टिस करें और नहीं है तो तो ज़्यादा करें अब इंग्लिश की प्रैक्टिस किस तरह करें अगर आप कोई सेंटर वगैरह ज्वाइन किया हुआ है आपने तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश की क्लासेस हो रही होंगी और वो आपको ग्रामर से रिलेटेड रूल्स वगैरह सिखा रहे होंगे तो आप उन्हीं रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे वहीं पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी वक्त आप उस क्लास को छोड़ेंगे नहीं और उसी वक्त उस क्लास में ही सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश को बाद में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम्स जो हैं वो आप रोज़ के फ़ाइव फ़ाइव याद करना शुरू कर दें तो आखिर तक आपको फिफ्टी सिक्सटी तो अच्छे से याद हो ही जाएंगे आज आपने फॉर एग्जांपल फ़ाइव याद करने हैं रात में तो कल जब आप फ़ाइव नेक्स्ट याद करेंगे तो लास्ट फाइव को भी रिवाइज़ करेंगे तो इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे रोज़ फ़ाइव एंटोनियम्स एंड फाइव सिनोनीम्स आप याद करें तो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन एंटोनियम सिनोनीम्स होते हैं तो उससे ही रिपीट भी हो जाते एंटोनियम सिनोनीम्स कॉमनली इसके अलावा आप इंग्लिश जब पास्ट पर सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश को ध्यान से देखें कि वो किस तरीके से एम सी क्यूज दे रहे हैं जो ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन हैं तो उसमें क्या चीज़ मोस्ट कॉमनली वो लोग पूछते हैं और किस तरह पूछते हैं एंड मुझे किस तरह इंग्लिश के क्वेश्चन को जज करना है सो डैट्स ऑल अबाउट इंग्लिश फिफ्थ इज गिव मल्टीपल रिविजन आपने मल्टीपल रिविजन्स देनी है किसी भी टॉपिक के लिए क्योंकि जब आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं ज़्यादा बार उसको रिवाइज करते हैं तो वो उसका कॉन्सेप्ट उसके वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है उस वक्त एंट्री टेस्ट के दिन हम इतनी कन्फ्यूजन में होते हैं इतने सारे क्राउड को देखते हैं एनजाइटी तो होती है उस वक्त तो आप उस वक्त अगर आपने किसी भी टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है आपको एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट बात या एग्जैक्ट वैल्यू उस वक्त याद नहीं भी आ रही होती तो आपके दिमाग में मल्टीपल डिविजन्स की वजह से एक स्केच बन जाता है उस चीज़ का कि बुक में इस तरीके से लिखी हुई होती है एंड जब आप उस एम सी क्यूज पर आपको लगता है कि उस वक्त मैं तुक्का लगा रही हूँ लेकिन वो उस वक्त सही भी हो जाता है क्योंकि आपने तो उसकी मल्टीपल टाइम्स को पढ़ा था तो आपके दिमाग में उस पूरी चीज़ का एक स्केच बन चुका है तो आपने बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना है अगर आप अगर अपनी बेसिक रिविजन पे हैं अभी तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है मल्टीपल रिविजन का आपके अगर सिक्स चैप्टर्स रिमेनिंग हैं अभी तक एंड आपको वो कवर करने हैं तो आप उसी चैप्टर को जब आप एक टॉपिक पढ़ चुके कंप्लीट कर लिया आपको लगा वो आपको अच्छे से हो गया उस टॉपिक को एक और दफ़ा आप रीड दे, दे दें उस रीड में जो आप उसी वक्त उस टॉपिक को देंगी देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो आपने पहला फर्स्ट रिवीजन में आपको टाइम लगा था उससे आपको हाफ से भी कम टाइम लगेगा एंड रात में एक टाइम ऐसा बना लें जिसमें आपको पूरे दिन में जो आपने पढ़ा है ना उसको आपको एक रीड तो देनी ही देनी है तो आपका इस तरीके से रिविजन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी एंड एक और तरीका जो है वो रिवीजन करने का ये है कि जब आप पास पेपर्स करें एंड देन यू आर गोइंग टू चेक कि मेरे कितने एम सी क्यू सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं तो जिन एम सी क्यूज़ में आपको डाउट था कि ये होगा या ये होगा लेकिन वो आपके सही हो गए हैं तो आप उनको भी रिवाइज़ करें वापस से जब आप चेक कर रहे हैं एक लाइक like, ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक को पढ़ने में आपको फाइव मिनट्स लगेंगे या टेन मिनट्स लगेंगे तो आप उस वक्त अगर आपको लाइक ट्वेंटी एम में डाउट था तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा वन आवर और वन एंड हाफ आर में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा और जो एम गलत हुए हैं उनको तो आपने मस्ट ही पढ़ना है दोबारा तो इस तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल uh, एक टॉपिक है वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लेंथ एक्सपेंशन का आपका वो टॉपिक फोर टाइम्स आया है पास्ट पेपर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एंड आपका वो फोर में से थ्री टाइम्स गलत होगी आपकी उसकी प्रॉब्लम तो जब आप उससे या थ्योरी की कोई भी बात उसमें आपकी गलत हुई है जब आप थ्री टाइम्स उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फोर्थ टाइम आप डेफिनेटली कोई गलती कर ही नहीं सकते उस टॉपिक में सो so, मल्टीपल रिविजन इज़ नेसेसरी फॉर एम केट और ई कैट प्रपरेशन दल फॉर टुडे होप यू लाइक इट एंड आई विश एंड आई प्रे कि जो जो सिंसेरली पढ़ रहे हैं एंड जिनके जो भी ड्रीम हैं मे अल्लाह फुलफिल्स यर ऑल और ड्रीम्स एंड आप अपनी डेस्टिनेशन पर अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँच जाएँ इन शह so, सो अपने अपना बेस्ट देना है एंड देन लीव द रेस्ट टू अल्लाह एंड जो भी होगा इट विल बी द बेस्ट फॉर यू सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक फॉर योर एंट्री टेस्ट एंड आई विल कम वेरी सुन विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट वीक एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ अमरमल वर्का